हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्पर्म और इसकी स्ट्रक्चर। ह्यूमन स्पर्म यह हैप्लोइड होता है, इसमें 23 क्रोमोजोम्स होते हैं जो फीमेल एग के साथ फ्यूज होकर डिप्लोइड सेल अर्थात फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ जाइगोट बनाते हैं। मेमल्स में स्पर्म एपिडाइडिमिस में स्टोर होते हैं तथा सीमन के फॉर्म में इजेकुलेट होते हैं। सीमन अर्थात इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म विद प्लाज्मा। स्पर्म की स्ट्रक्चर को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। सबसे पहले हेड, इसमें इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है जो एक्रोसोम द्वारा कवर होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओव्यूल की मेम्ब्रेन को डिजोल्व करते हैं तथा इसके बाद न्यूक्लियस ओवम में एंटर हो जाता है। नेक, इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं जो जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में मदद करते हैं। यह सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल साइटोस्केलेटन बनाने में मदद करता है। मिडिल पीस, इट कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। चौथा भाग है टेल अर्थात पूंछ, यह स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी अकेडमी।